का आपके अपने YouTube चैनल PTV राजस्थान में। आज हम आपको लक्की बुर्ज से, जो कोटा की पहचान बना हुआ है, वहां से किशोर सागर तालाब, शार बाग और सेवन वंडर्स का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे। यहां से पूरा शहर बड़ा शानदार नज़र आता है। 18वीं शताब्दी में बना लक्की बुर्ज कोटा की पहचान से जुड़ा हुआ है। इसे कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने बनवाया था। इसके नाम की कहानी भी रोचक है। इसको बनवाने में उस समय लाखों रुपए खर्च हुए थे। लोग बताते हैं, इतिहासविद बताते हैं कि लगभग 2 लाख रुपए इसको बनाने में उस समय खर्च हुए थे। इसीलिए इसका नाम लक्की बुर्ज पड़ गया। इतिहासविद फिरोज अहमद के अनुसार यह बुर्ज इतना मजबूत था कि इस पर तोपों का भी असर नहीं होता था। यह सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, यह लक्की बुर्ज के ऊपर जाने का रास्ता है। लक्की बुर्ज सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। लोगों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है। लोग प्रकृति का, कोटा का अद्भुत नज़ारा देखने यहाँ पर आते हैं। नगर निगम कोटा इसको संचालित करता है। किशोर सागर तालाब के किनारे बने लक्की बुर्ज का सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ पार्क बने हुए हैं। यहाँ पहले नगर निगम की ओर से एक दूरबीन लगाई गई थी, जिससे शहर का नज़ारा दिखाया जाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसे बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। ऊंचाई से शहर का विहंगम नज़ारा देख दर्शक रोमांचित हो जाते हैं। आज हम आपको लक्की बुर्ज की ऊंचाई से ऐसे ही शानदार नज़ारा दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपका मन झूम उठेगा और कोटा की खूबसूरती का आलम आपको मदमस्त कर देगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV राजस्थान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं कोटा के एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो। देखिए, नज़ारा देखिए किशोर सागर तालाब का, जो यहाँ से लक्की बुर्ज से नज़र आता है। बड़ा सुंदर नज़ारा है, आप इसका आनंद लीजिए। लक्की बुर्ज ऊपर से बड़ा सुंदर बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं। इसमें बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और देखने के लिए बहुत दर्शनीय स्थल यहाँ से नज़र आते हैं। लोग यहाँ आते हैं और शांति से बैठते हैं, आराम करते हैं, आनंद लेते हैं। बड़ी सुकून की जगह है लक्की बुर्ज। वैसे तो लक्की बुर्ज खुद ही बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई के बाद भी नगर निगम द्वारा अच्छे दृश्य देखने के लिए एक मचान बनाया हुआ है। लक्की बुर्ज से 10 फीट ऊपर की ऊंचाई पर एक गोल छतरी नुमा यह मचान बना हुआ है। यहाँ पर चढ़कर आप और ऊंचाई के और अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। और यह देखिए, यह है कोटा की शान जग मंदिर पैलेस। कोटा में कृत्रिम किशोर सागर झील के बीचों बीच स्थित है जग मंदिर पैलेस। इस झील का निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार देहरा देह द्वारा किराया गया था, और पैलेस का निर्माण 1740 ईस्वी में कोटा की रानियों में से एक रानी ने कराया था। इस महल को सुंदर लाल बलवा पत्थर से बनाया गया है, जो वास्तव में काफ़ी शानदार लगता है। जग मंदिर पैलेस कोटा की पहचान है। आप कुछ देर जग मंदिर और किशोर सागर तालाब की सुंदरता का नज़ारा कीजिए। इसके बाद आपको हाड़ा वंशजों की अंतिम विश्राम स्थली शार बाग की ओर लेकर चलेंगे।
यह है क्षारबाग। हाडा शासकों का अंतिम विश्राम स्थल है कोटा का यह क्षारबाग। लक्खी बुर्ज से सटा क्षारबाग हाडा शासकों का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। यहाँ पर 17वीं से 20वीं शताब्दी तक के शासकों की स्मृति के रूप में छतरियाँ व चबूतरे बने हुए हैं। यह चबूतरे व छतरियाँ बहुत आकर्षक हैं और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना हैं। लोग इन्हें देखने बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये छतरियाँ रियासतकालीन हैं। आप देखिए, जिस कोटा के शासकों की अंतिम विश्राम स्थली इतनी शानदार और कलात्मक है, उसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा होगा, यह अंदाजा इन छतरियों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। इनकी कलात्मकता देखिए और इनकी भव्यता देखिए, और साथ ही सुकून देने वाला यह वातावरण देखिए, कितना मोहक और शानदार दृश्य है, कितना मनमोहक नज़ारा है जो केवल लक्खी बुर्ज से नजर आता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर आपका अपना YouTube चैनल PTV राजस्थान सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं कोटा शहर के, राजस्थान के, देश भर के एक से बढ़कर एक वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV राजस्थान।